हाय डियर फ्रेंड, स्टार्ट कर रहे हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, नेम से ही आपको आइडिया मिल रहा होगा कि वाटर, पहले नंबर तो वाटर नेम आया, तो वाटर क्या है उससे रिलेटेड पॉइंट, वाटर कितना परसेंटेज है ऑन द ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड। ठीक है, उसका वो जो वाटर जितना है ना उसी को बोला जाता है रिसोर्स, मतलब क्या क्या है उसके रिसोर्स ऑन द ग्राउंड पे। ठीक है, सरफेस पे या अंडरग्राउंड जो भी वाटर जहां से हमें मिल सकता है वो रिसोर्सेस है। ठीक है, वो चीजें भी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेस हैं, फिर उस वाटर जो रिसोर्स है उसको मैनेज कैसे किया जाए, ये जो सब्जेक्ट के नेम है इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूं तो ये जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है ये GTU जो है GTU, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये GTU का ये फोर सेम में, ठीक है, ये फोर सेम में ये सब्जेक्ट आता है फोर सेम में। ठीक है, हो सकता है दूसरे यूनिवर्सिटी में किसी और सेमेस्टर में आता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब क्या नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिलेबस में देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो यहां पर अगर मैं बात बताऊं यहां पर इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो इसमें आपको ये WRM जो है इसका स्कोप क्या है ये चीजें जानोगे। ठीक है, इसका स्कोप क्या क्या है इससे रिलेटेड आपको पॉइंट समझने होंगे कि इसकी स्कोप क्या क्या है। ठीक है, इसकी नेसेसिटी जाननी पड़ेगी, आवश्यक क्यों है। ठीक है, ये जो वाटर का रिसोर्स है उसको मैनेजमेंट करने की जरूरत क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से जो वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, फिर बाद में इसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर वर्क करती हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर वर्क करती हैं वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। देखिए, ये WRM मतलब वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बताना पड़ेगा कि ये जो वाटर क्या होता है, जब ड्रॉट होता है तो वाटर का शॉर्टेज होता है। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर हो जाता है तो फ्लड आ जाते हैं, तो ये रीजन किसके कारण होता है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट न होने के कारण होता है। ठीक है, ये जो आपका ड्रॉट आ जाता है या तो फ्लड आ जाता है, ये एक प्रकार की क्या है, आपदाएं हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और ये सब क्या होती हैं, पानी की, एक तो पानी की न होने की वजह से, ये वाला जो ड्रॉट होता है मतलब सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। ठीक है, ये ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना। ठीक है, अकाल भी इसको बोलते हैं अकाल पड़ना, और इसको बाढ़ बोलते हैं, बाढ़ आ गया। ये पानी होने की वजह से हो जा रहा है और ये पानी न होने की वजह से हो जा रहा है। पानी जो बहुत ज्यादा हो जाता है तो फ्लड हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तूफान, तूफान मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब इंसान के जान की भी प्रॉब्लम होती है, उसके जो सामान है उसकी भी प्रॉब्लम की होती है। ड्राउट आ जाता है तो भी पानी, पानी की वजह से जमीन सूखे हो जाते हैं, खेती नहीं हो पाएगी, पीने की पानी नहीं मिल पाते हैं, प्यासे मर जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है, तो ये सब चीजें। ठीक है, फिर बाद में देखिए, आप जिस स्टेट में पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां के वाटर रिसोर्सेस क्या क्या हैं, जैसे कि ये जो GTU है, ये GTU ये गुजरात में आता है, तो हम इसकी वाटर रिसोर्सेस जो है, ये जो वाटर है और रिसोर्सेस है गुजरात में क्या है, किस प्रकार का रिसोर्सेस है गुजरात में, वो चीजें देखेंगे। फिर अब गुजरात में देख रहे हो तो इंडिया लेवल पर भी तो देखना पड़ेगा, तो ये इंडिया लेवल पर हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेस क्या है, फिर उसको किस तरीके से मैनेज कर सके। ये सारा का सारा पॉइंट, ये जो सारा का सारा पॉइंट है, ये सब हम किस में पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे। अभी तो सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है,
कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, ये जो पहला लेक्चर ये जो बताने वाला हूँ, आप क्या क्या इसमें सीखोगे वो चीजें बता रहा हूँ। अब वही चीज दूसरा आ जाता है, दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, हाइड्रोलॉजी है। तो हाइड्रोलॉजी में क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी में अगर मैं बात बताऊं तो हाइड्रोलॉजी में पहले नंबर तो हाइड्रोलॉजी है क्या ये जानोगे, ठीक है। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जानोगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये चीजें नॉर्मली बहुत लोगों को पता होता है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें पता होती है लेकिन फिर भी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। फिर इसके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के प्रोसेस क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो रेनफॉल होते हैं ना उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी कई तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, जो रेनफॉल हो रहे हैं एक प्रकार का वो प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है, ठीक है। तो और भी कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके प्रेसिपिटेशन के और भी टाइप होते हैं, जैसे फॉग आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, उनके रिलेटेड भी आप पढ़ोगे। फिर बाद में जो रेनफॉल है उसको मेजर कैसे करते हैं, इसमें रेनफॉल से रिलेटेड आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। रेनफॉल से रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट पढ़ने होंगे, ठीक है। इसको मेजर कैसे किया जाएगा, इसको मेजर कैसे किया जाएगा, ये पॉइंट भी इसी में सीखने वाले हो, ठीक है। इसको मेजर कैसे करना है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाले हो, कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, रेनफॉल को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। फिर बाद में रेन गेज जो होता है वो कितने नंबर ऑफ रेन गेज कहाँ जरूरत होती है कि ताकि किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकें, रन ऑफ को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सारा कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल क्या होता है, ये जियोलॉजिकल साइकिल में आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल में आपको सीखने को मिल जाएगा। तीसरा जो है वो है ग्राउंड वाटर, तीसरा जो है आपके पास वो क्या है, ग्राउंड वाटर है। तो अब ग्राउंड वाटर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो अब आगे हम देखिए रिसोर्स ही पढ़ रहे हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, उनको कहां कहां हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके का यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं, ये सब कुछ हमें वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में सीखना है। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो मेरा मेन पर्पज क्या है कि जो भी वाटर के रिसोर्सेस हैं, पहले तो ये पता करना है कि वाटर के रिसोर्सेस क्या क्या हैं, कैसे कैसे वाटर हमें मिल सकता है, ठीक है। अब वाटर तो बहुत तरीके से मिल रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, मैक्सिमम वाटर फ्लो होके सी में चले जाते हैं और सी वाटर सॉल्टी होता है, पूरा का पूरा पानी जो होता है वो सॉल्टी हो जाता है। अब जो सॉल्टी वाटर हो जाएगा तो हमारे पीने योग्य तो है नहीं, हमारे यूजेबल के खेती में भी नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो ना हो, वो पूरा रन ऑफ होके सी में चला जाता है, वो ना हो, उसको कहीं पे इस प्रकार से मैनेज कर ले, जैसे डैम बनाकर रिजर्वेयर की तरह यूज कर ले, या तो बड़े बड़े पॉन्ड बना दे, इस प्रकार से मतलब डैम प्रोवाइड कर दे, रिवर के ऊपर डैम प्रोवाइड कर दे, अलग अलग कैनाल्स बना दे कि ताकि जो वाटर है मैक्सिमम स्टोरेज हो सके, और वो जब मानसून सीजन के बाद जब दूसरा सीजन आता है समर सीजन, तो उसमें हम यूज कर सके वो वाटर को, सूखा ना पड़े। और बहुत ज्यादा मतलब बाढ़ क्यों आती है, प्रॉपर मैनेज नहीं है इसकी वजह से आती है, तो ये सब चीजें हैं। अब ये ग्राउंड वाटर जो पढ़ रहे हैं, तो अब ग्राउंड वाटर में ग्राउंड से रिलेटेड, ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर होते हैं, उस वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या अकरेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसकी ग्राउंड वाटर का यूज क्या है, ठीक है। फिर बाद में कौन कौन से जोन्स होते हैं ग्राउंड वाटर के, फिर उनके सोर्सेस क्या क्या हैं, फिर बाद में ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर उसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे कि एक्वाफोर्स होता है, वेल होता है, ट्यूब वेल होता है, ठीक है। अब दो तरह उनको रिचार्ज भी करने होते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज नहीं होता है ना, तो फिर बाद में उस जगह पे पानी की कमी हो जाती है, बड़े बड़े नीचे तक पाइप भी करते हैं तो भी पानी नहीं मिल पाता है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्जेज भी दो तरीके से होते हैं, एक तो नेचुरल तरीके से, एक आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, ठीक है। और आर्टिफिशियल तरीके से अगर रिचार्ज किए जाते हैं तो उसके भी कई सारे मेथड होते हैं, जैसे स्प्रेडिंग मेथड होता है, रिचार्ज वेल मेथड होता है, इंजेक्शन मेथड होता है, इंड्यूस रिचार्ज मेथड होता है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर सीखने को मिलेगा। फिर बाद में आ जाता है स्टोरेज वर्क, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो वाटर होते हैं तो ये वाटर को स्टोर करने हमें आना चाहिए, क्योंकि स्टोर कर रहे हो तो वही मैनेज है, ठीक है।
तो स्टोरेज वर्क में क्या करोगे कि स्टोर कहाँ कर सकते हैं, रिजर्वेयर में कर सकते हैं, बड़े बड़े जो पॉन्ड हैं वह बड़े बड़े उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी वो काम आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इसमें जुड़े हुए पॉइंट हैं। अब जब डैम की बात आ गई तो डैम से रिलेटेड टाइप्स ऑफ डैम, कितने टाइप्स के डैम होते हैं, कब इसका किस जगह पे कौन से टाइप के डैम बनाए जा सकते हैं, वो सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी इस वाले चैप्टर में, स्टोरेज वाला, ये जो स्टोरेज वर्क है उसमें, ठीक है। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क मतलब अब ये जो स्टोरेज किए हो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा ना, तो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, कैनाल में भी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहता है, रिवर में भी लगे रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा कि हेड वर्क क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क में हेड वर्क आ जाता है, उसके टाइप्स, डायवर्जन के टाइप्स, ठीक है, डायवर्जन हेड वर्क के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, वीयर, बैराज, डिवाइड वॉल, फीस लैडर, स्कोरिंग स्लूस या अंडर स्लूस बोलते हैं, कैनल हेड रेगुलेटर, सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट इंजेक्टर और सिल्ट एक्सट्रैक्टर, ये सब कुछ इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सारे पॉइंट, मतलब देखिए यहाँ पर सभी पॉइंट के नेम बोलने से कुछ नहीं है, मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सिर्फ नाम बता रहा हूँ कितने चीजें में ये सब चीजें सीखने को मिलेगी। वही चीज देख लीजिए, वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट का मतलब क्या हो रहा है पहले तो ये समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिर बाद में इसके कंपोनेंट क्या है, इसको किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट हमें इसको डेवलप करने के लिए ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। ये जो वाटर शेड है इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क हो सकते हैं, इसके रिलेटेड जो इसको मैनेज करने के लिए, वाटर शेड को मैनेज करने के लिए कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड, फिर बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पे वाटर शेड में, फिर बाद में एक आ जाता है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वाटर को कंजर्व करना, मतलब उसकी रक्षा करना, मतलब उसको एक जगह पे मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है वो जानोगे, फिर उसके मेथड क्या होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं वो चीजें भी जानोगे, ठीक है। और फिर बाद में एक और इसमें इम्पोर्टेंट देखोगे कि चेक डैम डिजाइन किस तरीके से करते हैं, ये इतने पॉइंट सिलेबस में है, ये पॉइंट को हमने यहाँ पर सीखने हैं, ठीक है। और ये चीजें अगर हम सीख गए तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आपको इतना तो आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अब जो मैंने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन बोला है वो इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करूंगा, और उसमें जो ये पॉइंट मैंने बताया था ये सभी पॉइंटों को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जैसे कि ओ डब्ल्यू आर एम होता क्या है, ठीक है, इसकी स्कोप क्या है, उसकी नेसेसिटी, उसकी एस्पेक्ट, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, ये ड्राउट और ये फ्लड होते क्या हैं, कहाँ पर आए हैं, पास्ट में कहाँ कहाँ पे ऐसे कंडीशंस हैं जो गुजरात में कुछ ऐसे हैं या इंडिया में कुछ ऐसे जगह पे हैं, फिर बाद में वाटर रिसोर्सेज गुजरात में क्या कौन कौन से रिसोर्स हैं गुजरात में और इंडिया में, ये सब कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो सभी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर लो, क्योंकि देखो जब मैं ये वीडियो करने के लिए बोल रहा हूँ तो दो चार पांच लोग जुड़ते हैं, इससे क्या होता है कि मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, अगर आप शेयर कर देंगे ना तो बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मैं पूरा का पूरा ये पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा तब, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके क्लासमेट होंगे ना फोर्थ सेमेस्टर में, जीटीयू वाले जितने हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सभी अपने फ्रेंड को शेयर कर लो, ठीक है, शेयर कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, फटाफट एक दिन में दो दो तीन दिन वीडियोज भी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा तो, और फटाफट एक महीने के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो फटाफट ये कंप्लीट करके और आपको जो भी कॉन्सेप्ट है इसका सब कुछ सिखा देंगे। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सारे जितने भी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये फटाफट शेयर कर दो, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे और मेरे लिए भी अच्छा रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला इंट्रोडक्शन उसके लिए तैयार रहिए, बहुत जल्दी इसके भी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए।